हेलो गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। दिस इज योर दोस्त एंड होस्ट विशाल सर। वेलकम टू द इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म जिसका नाम है अनअकैडमी एसएससी जी, ए वन स्टेप सॉल्यूशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ एएन एंड जेएन एग्जामिनेशन। गाइस कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड डूइंग वेल। आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आज के हमारे सेशन में हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा RSMSSB का जेई का जो पेपर हुआ था 2020 में फॉर द डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच, उनका आज हम यहाँ पे सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो अपकमिंग RSMSSB जेई एग्जामिनेशन और NHPC जेई एग्जामिनेशन के लिए ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें जो हम यहाँ पे क्वेश्चंस लगाने वाले हैं यही वो क्वेश्चंस होंगे जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी सब आपके आने वाले एग्जामिनेशन में आने की। और साथ ही साथ में जब आप ये सेशन अटेंड करेंगे आपको एक छोटा सा आइडिया भी लगेगा कि किस तरीके की प्रिपरेशन का लेवल आपने किया है। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन और मैं आपको देना चाहता हूँ कि अगर आप में से कोई स्टूडेंट अनअकैडमी से जुड़ के प्रिपरेशन करना चाहता है तो वो यूज़ में ले सकता है विशाल 11 रेफरल को, जिससे कि अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में उसे 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाया करेगा। साथ ही साथ अनअकैडमी लर्निंग ऐप भी डाउनलोड कीजिएगा सो दैट यू विल गेट द रेगुलर नोटिफिकेशन ऑफ ऑल क्लासेज। अपना गोल चूज कीजिएगा SSC जेईई स्टेट एग्जाम, उसके बाद विशाल शर्मा सर्च करके मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल को आप फॉलो कर सकते हैं। एज यू फॉलो माई अनअकैडमी प्रोफाइल तो आपको मेरी इस प्रोफाइल को फॉलो करने पर यहाँ पे सारी क्लासेस के इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। अलॉन्ग विद दिस अगर मैं कोई स्पेशल क्लास लेता हूँ तो आपको उस स्पेशल क्लास का नोटिफिकेशन भी मिल जाया करेगा। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो ये स्पेशल क्लास होने वाली है ये कब होने वाली है। ये जो स्पेशल क्लास आपकी होने वाली है ये होने वाली है शाम को 7:30 PM पे, जिसमें हम क्या करेंगे थर्मोडाइनमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को वहाँ पे सॉल्व करेंगे एंड वी विल गेट एन आइडिया कि किस तरीके से AEJEE एग्जामिनेशन में थर्मोडाइनमिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये आपके स्पेशल क्लास के फीचर्स हैं, जैसे लाइव इंटरेक्टिव सेशन, जैसे आपको यहाँ पे लाइव सेशन मिल रहा है वहाँ मिलेगा, पोल्स के माध्यम से वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक रेज ए हैंड भी फीचर होता है जिससे आप अपने डाउट को फैकल्टी के द्वारा पूछ सकते हैं डायरेक्टली ऑन वन रेज ए हैंड। साथ ही साथ नोटिफिकेशन मिलता है, PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और कहीं से भी कैसे भी इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप पहली बार अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करोगे तो हो सकता है आपसे कोई इनविटेशन कोड पूछा जाए, देन यू हैव टू यूज एन इनविटेशन कोड विशाल 11। जैसे ही आप ये विशाल 11 इन्विटेशन कोड यूज में लेंगे आपके अनअकैडमी के जितने भी फ्री प्लान है वो सारे के सारे आपके यहाँ पे अनलॉक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। वैसे कल ये हमने सेशन लेने की कोशिश की थी बट ड्यू टू सम यूट्यूब ग्लिच सेशन लेना पॉसिबल नहीं हो पाया था, बिकॉज आई वाज लाइव एंड स्टूडेंट्स वाज नॉट एबल टू टेक द लाइव सेशन, उनको लाइव सेशन दिखाई नहीं दे रहा था, ये दिक्कत हो गई थी। आज कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दिस इज द ऑफिशियल पेपर, ये एक आपका ऑफिशियल पेपर है अनअकैडमी कि इस SSC JEE यूट्यूब चैनल पर जो ये सॉल्यूशन हो रहा है ना, ये ऑफिशियल पेपर का ही सॉल्यूशन हो रहा है। ओके, नाउ इस ऑफिशियल पेपर में आप देख सकते हैं दिस इज अ पेपर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट, जो कि आपके 2020 में जो पेपर हुआ था उसका ये आपका PDF है। साथ ही साथ में ये हुआ था 13 दिसंबर 2020, इसका टाइमिंग था आपका 3 PM से 5 PM इवनिंग में। चलिए अब हम आते हैं हमारा सीधा क्वेश्चन नंबर 41 पे, और वैसे कुछ क्वेश्चन कल आपने देख लिए होंगे है ना। चलिए तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 41 ऑन योर स्क्रीन नाउ। क्वेश्चन को पढ़िए कि व्हाट इज डीजल इंजन एंड व्हाट इज पेट्रोल इंजन, जिसमें डीजल फ्यूल यूज में लिया जाता है डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन में पेट्रोल फ्यूल यूज में लिया जाता है। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जो डीजल इंजन होता है उसका फ्लाईव्हील एज कंपेयर टू पेट्रोल इंजन कैसा होता है। डीजल इंजन में जो फ्लाईव्हील यूज में लिया जाता है, एक चीज और बता दूं, आज शाम को 5 बजे भी आपका RSMSSB JEE का ही सेशन इसी यूट्यूब चैनल पर होने वाला है। ठीक है, तो वो सेशन भी आप सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं फ्लाईव्हील के साइज की, तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि डीजल का फ्लाईव्हील हमेशा पेट्रोल से बड़ा होगा,
और 4 स्ट्रोक का फ्लाईव्हील भी हमेशा 2 स्ट्रोक के इंजन से बड़ा होगा। तो अगर हम उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें तो सबसे छोटा फ्लाईव्हील होता है 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का, फिर होता है 2 स्ट्रोक डीजल इंजन का, उसके बाद 4 स्ट्रोक का होता है, तो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का और उसके बाद होता है 4 स्ट्रोक डीजल इंजन का। तो सबसे हैवी जो फ्लाईव्हील होता है वो आपका डीजल इंजन का होता है और सबसे हल्का जो फ्लाईव्हील होता है आपका वो पेट्रोल इंजन का होता है। तो डीजल इंजन का फ्लाईव्हील बड़ा साइज का होता है। कार्बोरेटर का क्या फंक्शन होता है, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 42 में। व्हाट इज द यूज ऑफ कार्बोरेटर, कार्बोरेटर का क्या रोल है बताओ। व्हाट इज द रोल ऑफ कार्बोरेटर, टू सप्लाई एयर एंड डीजल, टू सप्लाई पेट्रोल एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल, टू सप्लाई पेट्रोल एंड एयर, ओके, टू सप्लाई पेट्रोल एयर एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल। कार्बोरेटर आपका यूज में लिया जाता है पेट्रोल इंजन में। बताओ क्या होगा। कार्बोरेटर इज यूज इन पेट्रोल इंजन और इसका फंक्शन होता है पेट्रोल और एयर का होमोजीनियस मिक्सचर रेडी करना। क्यों? क्योंकि जब पेट्रोल इंजन में सक्शन स्ट्रोक होता है तो इन द सक्शन स्ट्रोक ऑफ द पेट्रोल इंजन आपके सिलेंडर के अंदर एयर और पेट्रोल का मिक्सचर जाता है। ठीक है, सिलेंडर के अंदर एयर और पेट्रोल का मिक्सचर जाता है, इसलिए इसको पेट्रोल इंजन में एज ए ऐसी डिवाइस यूज में लिया जाता है जो पेट्रोल और एयर का मिक्सचर तैयार करे, पेट्रोल और एयर का मिक्सचर तैयार करे। अब ध्यान से सुनिएगा, पेट्रोल और एयर का मिक्सचर तैयार करने के लिए कार्बोरेटर यूज में लिया जाता था, लेकिन इन प्रेजेंट सिनेरियो कौन सी डिवाइस पेट्रोल इंजन में यूज में ली जाती है, प्रेजेंट सिनेरियो में कौन सी डिवाइस यूज में ली जाती है। प्रेजेंट सिनेरियो में अभी आपकी जो डिवाइस यूज में ली जाती है उसे हम बोलते हैं MPFI सिस्टम, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। दीप अपना थोड़ा क्वालिटी इंप्रूव करिए, वैसे तो दिखाई दे रहा है, ये तो एकदम साफ दिखाई दे रहा है, लेक्चर का क्वालिटी थोड़ा इंप्रूव कीजिए। अब ये PDF ऐसी ही होती है ऑफिशियल, 480 की जगह 360 करके देखो, 360 में भी दिखाई दे रहा है, 360 पिक्सल कर दीजिएगा दिखाई देगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो MPFI सिस्टम होता है मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, ये आपके पेट्रोल इंजन में लिया जाता है और इसने कार्बोरेटर को रिप्लेस कर दिया है, इसकी जगह अब हम यूज में लेते हैं MPFI सिस्टम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, विच टाइप ऑफ फ्यूल एयर मिक्सचर इज यूज इन पेट्रोल इंजन ड्यूरिंग द आइडलिंग कंडीशन, आइडलिंग कंडीशन में कौन सा एयर फ्यूल मिक्सचर यूज में लिया जाता है, रिच लिया जाता है, लीन लिया जाता है, कौन सा लिया जाता है ये आपको बताना है। बताओ सिंपल सा है, तो यहां पे आपके यूज में लिया जाता है रिच मिक्सचर। कैसा मिक्सचर यूज में लिया जाता है, रिच मिक्सचर यूज में लिया जाता है, वेरी गुड वेरी गुड। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 44, आई थिंक उस पेज पे या इस पेज पे देखते हैं, इसी पेज पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, विच इज नॉट ए डीजल साइकिल ऑपरेशन, कौन सा डीजल साइकिल ऑपरेशन नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, जो भी आपका IC इंजन होता है उसमें 4 प्रोसेस होते हैं, एक तो होता है कंप्रेशन, एक होता है हीट एडिशन, एक होता है एक्सपेंशन, एक होता है हीट रिजेक्शन। ठीक है, कंप्रेशन, हीट एडिशन, एक्सपेंशन, हीट रिजेक्शन। जो कंप्रेशन प्रोसेस होता है वो होता है आपका एडियाबेटिक, चाहे डीजल इंजन हो, चाहे पेट्रोल इंजन हो, चाहे आपका डुअल इंजन हो, ठीक है, डुअल साइकिल हो। एक्सपेंशन भी आपका क्या होता है, एडियाबेटिक।
हीट रिजेक्शन क्या होता है? सभी में हीट रिजेक्शन होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, चाहे पेट्रोल इंजन हो, चाहे डीजल इंजन हो, चाहे आपकी डुअल साइकिल हो। इन तीनों में कंप्रेशन एक्सपेंशन हीट रिजेक्शन सेम होते हैं। केवल किसका डिफरेंस होता है? डिफरेंस होता है हीट एडिशन का। किसका डिफरेंस होता है? हीट एडिशन का। नाउ इफ हीट एडिशन इज टेक्स प्लेस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो उस साइकिल को हम बोलते हैं ओटो साइकिल। इफ हीट एडिशन इज टेक्स प्लेस कॉन्स्टेंट प्रेशर, तो उसे हम बोलते हैं डीजल साइकिल। केवल हीट एडिशन का ही डिफरेंस है। अगर हीट एडिशन होता है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्लस कॉन्स्टेंट प्रेशर, तो वो होता है आपका डुअल। तो डीजल में देखो क्या होता है, कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट एडिशन बिल्कुल सही है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन बिल्कुल सही है, कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, देखिए कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन गलत है। सभी साइकिल में कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्शन होता है, तो ये गलत हो जाएगा एंड दिस विल बी योर आंसर। एडियाबेटिक कंप्रेशन तो होता ही है, ये सभी सही है। चलिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। पेट्रोल इंजन की जो क्वालिटी होती है उसको हम किस फ्यूल से मेजर करते हैं? पेट्रोल इंजन की जो क्वालिटी होती है उसको हम किस फ्यूल से, किस नंबर से मेजर करते हैं? बताइए। बिल्कुल ऑक्टेन नंबर से। और डीजल के लिए? डीजल के लिए सीटेन नंबर। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? 1 kg फ्यूल को बर्न करने पे जितना हीट आपको मिलता है उसे हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन क्या होता है? ये दो होते हैं, एक तो होता है ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, एक होता है इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। तो ये क्या होता है? ये होता है फ्यूल कंजप्शन डिवाइड बाय ब्रेक पावर, और ये होता है फ्यूल कंजप्शन डिवाइड बाय इंडिकेटेड पावर। फ्यूल कंजप्शन की जो यूनिट होती है वो होती है केजी पर आवर, और ब्रेक पावर की यूनिट होती है किलोवाट। तो ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन की यूनिट क्या हो जाएगी? केजी पर किलोवाट आवर, केजी पर किलोवाट आवर। तो सारी चीजें कवर होगी यहाँ पे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 46? फोर स्ट्रोक ऐसा इंजन में जो कैम शाफ्ट होती है वो किस स्पीड पर रन करती है? कैम शाफ्ट किस लिए यूज में ली जाती है? कैम शाफ्ट आपके इनलेट वॉल ओपन वॉल को क्लोज करने के लिए और ओपन करने के लिए यूज में ली जाती है। इनलेट वॉल और एग्जॉस्ट वॉल, ठीक है, उसको ओपन और क्लोज करने के लिए यूज में ली जाती है। तो आपके फोर स्ट्रोक इंजन में एक साइकिल कंप्लीट होती है आपके 2 revolution ऑफ द क्रैंक में, और उसी 2 revolution ऑफ क्रैंक में आपका इनलेट वॉल एक बार ओपन होता है, एग्जॉस्ट वॉल एक बार ओपन होता है, ठीक है। तो आपकी जो कैम शाफ्ट है उसको उसको ड्यूरिंग द 2 revolution ऑफ द क्रैंक 1 revolution कंप्लीट करना पड़ता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इट विल बी एट द हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ द क्रैंक शाफ्ट। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्यूल इंजेक्टर डीजल इंजन में क्या करता है? व्हाट इज द रोल ऑफ फ्यूल इंजेक्टर इन डीजल इंजन? जैसे मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन आपका पेट्रोल इंजन में यूज में लिया जाता है, जो कि इनलेट मैनिफोल्ड में लगा होता है। एयर जब आ रही होती है तो उसमें MPFI सिस्टम द्वारा पेट्रोल को इंजेक्ट करके मिक्स कर दिया जाता है, और फिर वो आपके कंबशन चैम्बर के अंदर एंटर करती है। जबकि डीजल इंजन में ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक ओनली एयर आती है, एंड आफ्टर द कंप्रेशन, जब एयर का कंप्रेशन हो जाता है उसके बाद हम फ्यूल को विद द हेल्प ऑफ द फ्यूल इंजेक्टर इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर का रोल क्या है? फ्यूल इंजेक्टर स्प्रेज ऑटोमाइज्ड फ्यूल इनटू द सिलेंडर, एक्स्ट्रा फ्यूल नेसेसरी एयर, एयर को तो भेजेगा नहीं, नाम इसका फ्यूल इंजेक्टर तो एयर क्यों भेजेगा, ड्रॉज फ्यूल फ्रॉम द फ्यूल टैंक, नहीं, फ्यूल इंजेक्टर स्प्रेज एटोमाइज्ड फ्यूल इनटू द सिलेंडर सो दैट फ्यूल विल बी बर्न्ड ड्यू टू द हाई टेम्परेचर ऑफ एयर।
हवा का कंप्रेशन करने के बाद हवा का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जब हवा का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो गर्म गर्म हवा के साथ, जब गर्म गर्म हवा के साथ जब आपका डीजल कांटेक्ट में आएगा, एटोमाइज्ड डीजल कांटेक्ट में आएगा, तो उसकी क्या हो जाएगी, बर्निंग हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 का बताइए क्या होगा। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर सेक्शन अबाउट ए हॉरिजेंटल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स बेस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो है इसकी ओरिजेंटल एक्सिस पासिंग थ्रू द सीजी। अगर किसी को कोई फॉर्मूला याद भी नहीं है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू द बेस, बेस के अबाउट निकालना है। दिस इज सीजी, ये है बेस के थ्रू एक्स एक्स। तो आपको देखो ये है आपका बी, ये है आपका डी, तो सीजी के अबाउट क्या होता है, देखिए सीजी के अबाउट होता है बीडी क्यूब बाई 12। ये सीजी के अबाउट है, लेकिन हमें किसके अबाउट निकालना है, पासिंग थ्रू द बेस। देखो छोटी छोटी गलती करोगे, क्वेश्चन आधा पढ़ोगे और आंसर डी टिक करके आओगे। डी इज रॉन्ग, डी इज रॉन्ग शुभम गौरव, डी नहीं पूछा है, इसने बेस के थ्रू होने वाला पास पूछा है। तो बेस वाली एक्सिस और ये सीजी वाली एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है, तो यहां पर मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकता हूँ। क्या हो जाएगा आपका, आई एक्स एक्स इज इक्वल टू आई सी जी प्लस ए इंटू इस डिस्टेंस का स्क्वायर। वाई का स्क्वायर तो आई सी जी क्या है, बी डी क्यू डिवाइड बाय 12 प्लस एरिया क्या हो जाएगा, बी इंटू डी इंटू वाई का स्क्वायर, यानी डी स्क्वायर बाय 4, डी स्क्वायर बाय 4। तो ये क्या होगा, बी डी क्यूब कॉमन आ गया, इन ब्रैकेट 1 बाय 12 प्लस 1 बाय 4। तो ये क्या हो जाएगा, बी डी क्यूब इन ब्रैकेट 12 एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, तो बी डी क्यूब बाय 3 है ना। 48 का आंसर हो जाएगा बी डी क्यूब बाय 3। तो बी डी क्यूब बाय 3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। करके हम आएंगे डी, और हमें ये भी विश्वास होगा, हमें ये भी विश्वास होगा कि हम सही टिक करके आए हैं, लेकिन एक्चुअल में जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, एक्चुअल में आंसर होगा ऑप्शन है। तो ऐसी छोटी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 49? वट इज द वैल्यू ऑफ क्रिपिंग लोड वेन द बूथ एंड्स आर फिक्स, जब दोनों एंड फिक्स हो उस केस में क्रिपलिंग लोड की वैल्यू क्या होगी। अगर हम बात करते हैं हाँ, सीखने के लिए तो आए हैं, सीखना है अपने को, तो यहां गलतियां करो जितनी कर सकते हो, मेन एग्जामिनेशन में गलतियां नहीं होनी चाहिए, यहां से गलतियां करके सीख के जाओ। तो देखो यूलर्स लोड क्या होगा, यूलर्स लोड होगा आपका पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाय इफेक्टिव लेंथ का स्क्वायर। अब दोनों एंड फिक्स हो तो इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ होता है एल बाई टू, तो एल बाई टू का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फोर पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाय एल का स्क्वायर। तो फोर पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाय एल का स्क्वायर ऑप्शन हो जाएगा बी। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए या तो पैरेलल ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ना अपने, चलो पहले 50 का आंसर दो फिर पैरेलल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे वो क्वेश्चन को अपने सॉल्व करेंगे। तो ए टेंसाइल फोर्स पी इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी जिसकी लेंथ है एल, एरिया है ए, उसकी चेंज इन लेंथ क्या होगा। ये तो बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन, पूछ लिया यूलर्स क्रिपलिंग लोड पीई, जो यूलर्स क्रिपलिंग लोड होता है पीई उसे बोलते हैं यूलर्स क्रिपलिंग लोड, ये लॉन्ग कॉलम के लिए होता है ठीक है।
ये तो बिल्कुल सिंपल, ये PL/AE, PL/AE बिल्कुल सिंपल है। और थोड़ा नीचे आते हैं, थोड़ा ऊपर जाते हैं, चलिए 54 का आंसर दीजिए, है ना, जो नजर आ रहा है स्क्रीन पर उसको देते हैं, तो ऊपर नीचे करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, टाइम वेस्ट नहीं होगा। रेशियो ऑफ हुप स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस ऑफ ए थिन सिलेंडर, हुप स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस में क्या रेशियो होता है ये आपको बताना है। हुप स्ट्रेस को सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस भी कहा जाता है, तो ये जो हुप स्ट्रेस या सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस होती है ये क्या होती है, पीडी डिवाइड बाय 40, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होती है, पीडी डिवाइड बाय 2t। तो इनका रेशियो पूछा है, तो हुप स्ट्रेस डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, तो ये क्या हो जाएगा, हुप स्ट्रेस है पीडी डिवाइड बाय 40, तो ये हो जाएगा आपका 1/4, और ये हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा इसका रेशियो 1/2, 1/2 रेशियो, मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका, एक सेकेंड उल्टा कर दिया, एक मिनट एक मिनट, हुप स्ट्रेस को आपको कहा जा, आपकी हुप स्ट्रेस को कहा जाता है सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस, हुप स्ट्रेस को कहा जाता है सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस। हाँ, जो हुप स्ट्रेस होती है ये होता है आपका पीडी डिवाइड बाय 2t, और जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होती है ये होती है आपका पीडी डिवाइड बाय 4t, ऐसे होगा। आई बात समझ में, उल्टा हो गया था वो। हाँ, तो हुप स्ट्रेस टू द सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ये क्या होगा, हुप स्ट्रेस है आपका 1/2 और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है 1/4, तो इसका रेशियो हो जाएगा 2:1, 2:1 मतलब आंसर बी होगा, ठीक है। चलिए 55 का आंसर दीजिए, एक होलो शाफ्ट है जिसका एक्सटर्नल डायमीटर है 10 और इंटरनल डायमीटर है 5, इसका सेक्शन मॉड्यूलस क्या होगा, होलो शाफ्ट टोर्शनल सेक्शन मॉडुलस पूछा है आपसे, टोर्शनल सेक्शन मॉडुलस, तो देखिए बिल्कुल सिंपल, मेरे पीछे चला जाएगा तो थोड़ा ऐसे कर देखिएगा, टोर्शनल सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, ये होता है आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाय स्मॉल आर, या फिर आप इसको कैसे लेंगे, या तो इसका पहला पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, व्यास दे रखा है ना तो रेडियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको अपने, बाद में निकालो पहले कैलकुलेटर से कितना आता है, वैसे इसमें कैलकुलेटर अलाउड है नहीं, तो देखते हैं चलो कितना आता है, बिना कैलकुलेटर करते हैं, तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा पाई बाय 32 इंटू डी की पावर 4 माइनस 5 की पावर 4, तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू 100 की पावर 4 10,000, 10,000 माइनस 25 इंटू 25 625 डिवाइड बाय 32 इंटू पाई, एलसी से करता हूँ मैं वैसे तो, पाई बाय 32 इंटू 10 की पावर 4 माइनस 5 की पावर 4, तो 920.388, सेंटीमीटर की पावर 4। तो अब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 920.388 डिवाइड बाय रेडियस, ये रही इसकी बड़े वाले की रेडियस लो, बड़े वाले की रेडियस क्या होगी, रेडियस होगी 5, तो इट विल बी डिवाइड बाय 5, आंसर आ जाएगा 184.07 सेंटीमीटर का क्यूब, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए 56 का बताइए,
हाँ वैसे भी कर सकते हो, कॉमन लेके कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जैसे सही लगे वैसे करो। द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू पॉइंट्स इन ए रिजिड लिंक इज। द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू पॉइंट्स इन ए रिजिड लिंक इज, बताइए। कोई एक रिजिड लिंक है, उन पे दो पॉइंट्स है, इनकी वेलोसिटी जो होगी इस लिंक के परपेंडिकुलर होगी। तो परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट्स, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वेरी गुड, 56 का हो जाएगा ए। चलो अभी इसका बताओ, क्वेश्चन नंबर 51 का बताओ आप। यस वेरी गुड, परपेंडिकुलर होगा। प्रोसेशन कंप्लीट होने के बाद आई रिक्वेस्टिंग एवरीवन टू प्लीज गिव योर वैल्यूएबल कमेंट्स, जो भी आपका कमेंट्स रहता है, जो भी आप कुछ कहना चाहते हैं, इस सेशन के कंप्लीट होने के बाद जरूर कहिएगा। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट ऑफ डायमीटर डी। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा पाई बाय 32 × 10⁴। तो ये ध्यान रखना, क्यूब नहीं होगा, ये क्यूब नहीं होगा, ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या होता है? पोलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पोलर एक्सिस कौन सी होती है? वो एक्सिस होती है जिसके अबाउट आपका वो सर्कुलर सेक्शन रोटेट करता है। हाँ तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस, मतलब हुप स्ट्रेस का रेशियो क्या होता है? अभी गया ही था, तो हुप लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड बाय हुप, तो लॉन्गिट्यूडनल होता है 1/4। दो क्वेश्चन आ गए ना सेम, इनटू हुप होता है 1/2। आंसर क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा मेरे हिसाब से। सी, इसका भी सी। चलिए और क्वेश्चन नंबर 57 नजर आ रहा है तो इसका आंसर दे देते हैं, नहीं आ रहा तो ऊपर कर देते हैं। हाँ जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए ट्राइंगुलर सेक्शन ऑफ बेस बी, हाइट एच, अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो पास हो रहा है ना, उसके अबाउट निकालना है। तो देखो ये है आपका ट्राइंगल, जिसका बेस है बी, हाइट है एच, तो बेस के अबाउट में 12 आता है, और अगर हम सीजी के अबाउट निकालेंगे तो क्या आएगा? 36। हाँ सीजी के अबाउट निकालेंगे तो क्या आएगा? 36। तो दिस इज 36, दिस इज 36, सो बी ये हो जाएगा बी, क्योंकि सीजी वाली एक्सिस जो है वो इस बेस के पैरेलल है, तो जिसके पैरेलल होती है उसकी पावर नहीं आती, उसकी परपेंडिकुलर वाले के पावर आती है। तो ये हो जाएगा बी इंटू एच का क्यूब डिवाइड बाय 36। क्लास में कर रखा है बी इंटू एच का क्यूब डिवाइड बाय 36। चलो 57 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्री वाइब्रेशन में विस्कस डैम्पिंग के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये आपको बताना है। कोई बात नहीं, कमेंट डिलीट मत करो, जो आंसर है एक्चुअल आंसर है वो दो। डैम्पिंग फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इनर्शिया फोर्स एक्ट इन द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सिलरेशन। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा के उसको डिस्प्लेस करते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका इनर्शिया फोर्स लगता है। स्प्रिंग फोर्स एक्ट इन द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये भी सही है। ओके 57 का आंसर देना है, ये भी सही है।
अगर ये दोनों सही है तो आंसर डी सी तो होगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, डैम्पिंग फोर्स हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। डैम्पिंग फोर्स हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। चलिए 57 हो गया, अब आते हैं 58 पर। मुझे एक बार बताना कि ये विजिबल है या नहीं, इतना ये अच्छे से विजिबल नहीं है तो मैं इसको और जूम कर देता हूँ। एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा विजिबल नहीं है। चलो ऐसा कर लेते हैं कि एक बार में दो क्वेश्चन लगेंगे। 58 और 63। 58 बताइए, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ ए स्लाइडर मूविंग ऑन ए कर्व्ड सरफेस लाइज ऑन। ये भैया ये कर्व्ड सरफेस है, इस पर एक स्लाइडर स्लाइड कर रहा है, इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर कहाँ पर होगा? का इंस्टेंटेनियस सेंटर कहां पर होगा बताओ? ठीक है, बहुत बढ़िया। स्लाइडर का इंस्टेंटेनियस सेंटर इफ इट इज मूविंग ऑन द कर्व पाथ कहां पर होगा? एट द कहां पे? इन्फिनिटी। ये कर्व पाथ देखते हैं ना, कर्व पाथ पे तो एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। फ्लैट सरफेस पे है तो इन्फिनिटी हो जाता है ना संदीप? फ्लैट सरफेस पे तो इन्फिनिटी हो जाता है। एंगल ऑफ एसेंट ऑफ ए कैम इज डिफाइंड एज एसेंट डिसेंट। एसेंट फॉलोवर ऊपर जाता है, बताओ। फॉलोवर ऊपर जाता है इसमें, तो एसेंट क्या होगा? द एंगल मूव बाय द कैम फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ द फॉलोवर बिगन्स टू राइज टिल इट रीचेस टू द हाईएस्ट पोजीशन। फॉलोवर ऊपर जाने लगता है। चलिए 59 का बताओ, इफ इन वाइब्रेशन आइसोलेशन सिस्टम यदि ओमेगा बाय ओमेगा एच का वैल्यू मोर देन वन, देन द फेज डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसमिटेड फोर्स एंड द डिस्टर्बिंग फोर्स। जो फोर्स ट्रांसमिट हो रहा है और जो फोर्स डिस्टर्बिंग है उनके बीच का एंगल कितना होगा? ये आप कैसे निकालते हो? ये जब आप थ्योरी मशीन में वाइब्रेशंस पढ़ते हो ना, उस टाइम में आप डिफरेंट फेज एंगल निकालते हो कि आपका स्प्रिंग फोर्स किस डायरेक्शन में है, आपका डैम्पिंग फोर्स किस डायरेक्शन में है, आपका डिस्टर्बिंग फोर्स किस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे आपसे ट्रांसमिटेड फोर्स, फोर्स ट्रांसमिटेड और जो डिस्टर्बिंग फोर्स है उसके बीच का एंगल पूछा है, तो उनके बीच का एंगल होगा आपका 180 डिग्री। क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स ट्रांसमिट होता है और जिस डायरेक्शन में फोर्स उसको डिस्टर्ब करता है, दोनों एक दूसरे के ठीक अपोजिट होते हैं। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है 60, विच इज द करेक्ट वे ऑफ डिफाइनिंग द फिट, ऑफ डेजिग्नेटिंग द फिट। फिट को डेजिग्नेट करने के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है? देखिए यहाँ पर बेस साइज नहीं लिख रखा, बेसिक साइज नहीं लिख रखा, यहाँ पे बेसिक साइज लिख रखा है, यहाँ पे बेसिक साइज नहीं लिख रखा, यहाँ पे बेसिक साइज दो बार लिख रखा है। तो बेसिक साइज एक ही बार लिखा होता है, मालूम है क्या आपको? बेसिक साइज एक ही बार लिखा होता है और उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। 64 का देखिए, विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए इंजेक्टर असेंबली। इंजेक्टर का पार्ट कौन सा नहीं होता है? नोजल बॉडी, कंप्रेशन स्प्रिंग, डायफ्राम और नोजल वाल्व। नजर आ रहा है क्या ऑप्शन? नोजल बॉडी, कंप्रेशन स्प्रिंग है बी, सॉरी बी है डायफ्राम, सी है कंप्रेशन स्प्रिंग और डी है आपका नोजल वॉल्व। आई थिंक नाउ इट इज 64 का आंसर बताओ। तो 64 का आंसर हो जाएगा आपका डायफ्राम, इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द इंजेक्टर असेंबली, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। काफी तीन क्वेश्चन लगेंगे इस बार, ये सही।
चलो, कंपलसरी मशीनिंग, विच ऑफ द बेसिक सिंपल इज यूज फॉर कंपलसरी मशीनिंग? मशीनिंग करने के लिए कौन सा सिंबल आपका पर्टिकुलरली यूज में दिया जाता है? जहां पे मशीनिंग करना मैंडेटरी होता है, तो यहाँ पे नीचे सरफेस नहीं दिखा रखी, ये गलत है आपका। ये गोला बना रखा है, ये गलत है आपका। ये ट्रायंगल होता है ऐसे। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 61 का ए ऑप्शन, वेरी गुड। 62, आईसी इंजन में गजन पिन किसको कनेक्ट करता है? इंटरनल कंबशन इंजन में जो गजन पिन होता है वो किसको कनेक्ट करता है, ये आपको बताना है। हाँ जी, गजन पिन कनेक्ट करता है आपके पिस्टन को और आपकी कनेक्टिंग रोड को, ठीक है? तो स्मॉल एंड ऑफ कनेक्टिंग रोड और पिस्टन को कनेक्ट करता है, और गजन पिन आपका फोर्ज स्टील का बना होता है। साथ ही साथ में गजन पिन पे आपकी साइक्लिक लोडिंग आती है, जिसके कारण इसको फोर्ज स्टील का बनाया जाता है, जिसमें एक्सटर्नल डिफेक्ट और इंटरनल डिफेक्ट जीरो कर दिए जाते हैं। एक चीज इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेशन ये है कि गजन पिन जब आपके पिस्टन को कनेक्टिंग रोड से कनेक्ट करती है विद द स्मॉल एंड, तो ये भी पूछा जा सकता है कि कनेक्टिंग रोड का बिगर एंड कहाँ होता है? कनेक्टिंग रोड का बिगर एंड होता है आपका क्रैंक शाफ्ट पे। तो कनेक्टिंग रोड का स्मॉल एंड आपका कनेक्ट होता है पिस्टन पे, कनेक्टिंग रोड का बिगर एंड आपका कनेक्टेड होता है क्रैंक शाफ्ट पे। कनेक्टिंग रोड का काम होता है आपके पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करना। 65 का आंसर बताइए, क्लोज्ड सिस्टम में क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय क्लोज सिस्टम? वेरी गुड, वेरी गुड। व्हाट डू मीन बाय अ क्लोज सिस्टम? क्लोज सिस्टम में मास ट्रांसफर नहीं होता, एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस। सो देर इज ओनली, देर इज बोथ मास और एनर्जी ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ मास, एब्सोल्युटली नो इंटरेक्शन ऑफ सिस्टम सराउंडिंग अक्रॉस इट्स बाउंड्री। मैटर इज नॉट अलाउड टू ट्रांसफर बट द एनर्जी ट्रांसफर कैन टेक्स प्लेस। सीधा का सीधा ESC और SSC से उठा रखा है, सही है? चलिए, वेरी गुड। इतना ही, पीछे नहीं जाना, इधर। चलो, अब थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चन है। देखो, बाहर लगेगी थर्मोडायनेमिक्स और पावर प्लांट इंजीनियरिंग। फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस द इफेक्टिवनेस इज, व्हाट डू मीन बाय इफेक्टिवनेस? एफिशिएंसी को ही रिप्रेजेंट करता है। इफेक्टिवनेस किसको रिप्रेजेंट करता है? एफिशिएंसी को ही रिप्रेजेंट करता है। जितने भी स्टूडेंट लाइव है, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज क्लिक ऑन द लाइक बटन ऑल्सो। सॉरी, तो रिवर्सिबल प्रोसेस की इफेक्ट, रिवर्सिबल प्रोसेस इज द मोस्ट एफिशिएंट प्रोसेस, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट प्रोसेस होता है ये। तो अगर ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट प्रोसेस है जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है, तो भैया उस प्रोसेस की जो इफेक्टिवनेस है वो भी क्या होगी? वन। अब लंकाशायर बॉयलर, इसमें आप ट्रिक याद रखो, LLCC, लोकोमोटिव लंकाशायर कोकरान कॉर्निश, है ना? लोकोमोटिव लंकाशायर कोकरान कॉर्निश, मेरे साथ वापिस बोलेंगे सभी लोग, लोकोमोटिव लंकाशायर कोकरान कॉर्निश। भाई साहब, ये आपके होते हैं लो प्रेशर बॉयलर, और लो प्रेशर बॉयलर ही आपके फायर ट्यूब बॉयलर होते हैं। ये है आपके लो प्रेशर बॉयलर, और लो प्रेशर बॉयलर ही आपके फायर ट्यूब बॉयलर होते हैं। तो लंकाशायर इज अ फायर ट्यूब बॉयलर, इट इज अ फायर ट्यूब बॉयलर, नॉट वाटर ट्यूब बॉयलर। ये वाटर ट्यूब बॉयलर नहीं है। अब ये हॉरिजेंटल है या वर्टिकल है, ये अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये आपका हॉरिजेंटल फायर ट्यूब बॉयलर, हॉरिजेंटल फायर ट्यूब बॉयलर। चलो, क्वेश्चन नंबर 70, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है बताओ? अब ये क्लोज सिस्टम माना है इसने, इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली इसने क्या माना है? क्लोज सिस्टम माना है।
तो क्लोज सिस्टम में कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में क्या वर्क होता है? जीरो पीडीवी, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू जीरो, तो वर्क द इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी कहां गया इज इक्वल टू जीरो, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए, अवेलेबिलिटी ऑफ ए सिस्टम एट ए गिवन स्टेट, अवेलेबिलिटी और अवेलेबल एनर्जी में डिफरेंस होता है। अवेलेबिलिटी और अवेलेबल एनर्जी में आज ही हमने प्लस में डिस्कस किया था, अवेलेबिलिटी और अवेलेबल एनर्जी में डिफरेंस होता है। व्हाट इज अवेलेबल एनर्जी? अवेलेबल एनर्जी किसी साइकिल में जो हम मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन कर सकते हैं वो होता है अवेलेबल एनर्जी। अवेलेबिलिटी क्या होता है? किसी प्रोसेस को जब हम डेड स्टेट तक ले जाते हैं तो उससे जो हमें मैक्सिमम यूजफुल वर्क मिलता है वो होता है आपका अवेलेबिलिटी। तो जिन्होंने सुबह की क्लास अटेंड की थी उनका आंसर तो सही होगा। तो अवेलेबल एनर्जी मतलब मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए गिवन हीट इनपुट इन ए साइकिल, अवेलेबिलिटी मतलब मैक्सिमम यूजफुल वर्क ऑब्टेन्ड व्हेन योर सिस्टम रीचेस टू द डेड स्टेट, कम इनटू द इक्विलिब्रियम विद द डेड स्टेट। सो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम नहीं, मैक्सिमम यूजफुल वर्क ऑब्टेनेबल व्हेन द सिस्टम गोज टू द डेड स्टेट, मैक्सिमम वर्क ऑब्टेनेबल एज द सिस्टम गोज टू द डेड स्टेट, मैक्सिमम वर्क नहीं होता, मैक्सिमम यूजफुल वर्क होता है। डिफरेंस इन अवेलेबिलिटी फंक्शन गिव यू द मैक्सिमम यूजफुल वर्क, अवेलेबिलिटी फंक्शन का जो डिफरेंस होता है वो आपको मैक्सिमम यूजफुल वर्क देता है। सही है, चलो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 68। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। आइसोलेटेड सिस्टम कैसा सिस्टम? आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा स्पेशल क्लोज सिस्टम होता है जिससे ना ही एनर्जी का ट्रांसफर होता है ना ही मास का ट्रांसफर होता है। नीदर ट्रांसफर एनर्जी नोर मास ट्रांसफर टू और फ्रॉम द सराउंडिंग, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 72, साइक्लिक डिवाइस है, आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालनी है। मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगी? जब ये इंजन कैसा होगा? रिवर्सिबल। और रिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी टेम्परेचर की टर्म्स में आती है, तो एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन इज 1 - T2/T1। और इसका निकालने का एक तरीका और है, टेम्परेचर डिफरेंस क्या? 800 - 30 770 / 800 + 273 = 1073, तो इट इज नियर बाय 70%, तो आंसर हो जाएगा बी। इसमें आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, अंदाजा लगा लो 96% कैसा होगा। 900 केल्विन टेम्परेचर थोड़ी है, 40% तो बहुत दूर है, 28.2% ये भी बहुत दूर है ना, तो 71.8% बिना किसी कैलकुलेशन के, बहुत बढ़िया बात। चलिए, सुपर हीटिंग स्टीम की किस प्रोसेस पे की जाती है? अब देखिएगा, सुपर हीटिंग स्टीम की जाती है सुपर हीटर में, और सुपर हीटर क्या होता है? हीट एक्सचेंजर। सुपर हीटर होता है हीट एक्सचेंजर। सुपर हीटर हीट एक्सचेंजर है। अब हीट एक्सचेंजर में कैसा प्रोसेस होता है बताओ? सुपर हीटर हीट एक्सचेंजर है, हीट एक्सचेंजर में होता है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। 69 का हो जाएगा बी, बी नहीं, वो तो कांस्टेंट वॉल्यूम है, सी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। चलिए 73, बॉयलर में कितना स्टीम का प्रोडक्शन होता है जिसका टेम्परेचर है 10 बार और प्रेशर है 10 बार, टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस और एंथैल्पी कंटेंट इतना है, किससे होता है? फीड वाटर से होता है जो कि 37 डिग्री सेल्सियस पर है और उसका एंथैल्पी है 154.9 किलो जूल पर केजी।
इस टाइम वो यूज करता है 800 kg पर आवर ऑफ कोल, हैविंग ए कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ 330,000 kJ/kg, देन द एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर विल बी इक्वल टू। देखो स्किप क्यों करना, अभी तो सॉल्व कर ही सकते हैं ना। देखिए व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर, एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर क्या होगा, एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर होगा हीट सप्लाई टू द वर्किंग फ्लूइड डिवाइड बाय हीट एडिशन। तो आपका वर्किंग फ्लूइड है 6000 kg पर आवर, तो 60,000 kg पर आवर, तो एक घंटे का है ना, तो इसको पढ़ा रहे तो घंटे में, इनटू इसकी एंथैल्पी कितनी है 2942.6 kJ/kg, और लिक्विड की एंथैल्पी कितनी है 154.9। तो इसका डिफरेंस अपने को निकालना पड़ेगा कितना हीट एडिशन हुआ, माइनस का 154.9 डिवाइड बाय, इसमें कितना फ्यूल जा रहा है आपका 800 kg/h, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है 30,000, तो 1 2 3 1 2 3, 6 1 6, 6 5 30, 8 5 40, तो निकल जाएगा आराम से 294 में से 154.9 करके देखो कैलकुलेट, 16 में से 9 गए 7, 11 में से 4 गए 7, और 13 में से 5 गए 8, 28 में से गया 27, तो 2787.7 डिवाइड बाय 4 8 5 40 44,000। इसको अगर हम ध्यान से सुनो 10,000 में कन्वर्ट करें तो 2.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनटू 2.5, है ना, 2.5 2.5, तो नीचे क्या हो जाएगा आपका 400 इंटू 2.25, ये 10,000 हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर वैसे 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 2787.7, 2787.7, और 2.5 से क्यों मल्टीप्लाई करना, 2787 इसमें जोड़ दो, और 2700 का आधा कितना होता है, 27 का आधा 13 2 26, 1350, तो 1350 यहाँ जोड़ दो, और 87 का भी आधा जोड़ना है तो 1390 जोड़ लो, ठीक है। तो 7 7 14 1 9 9 18 18 और 8 26 2 7 7 14 और 2 14 और 2 16 16 और 3 19 1 2 2 4 5 6 69.4 64, तो आंसर होगा ऑप्शन सी बिना कैलकुलेटर के, आगे ना 69.64, नीचे 10,000 है, परसेंटेज में और करना है कन्वर्ट, सही है, बोलो सही है ना, बिल्कुल वेरी गुड वेरी गुड। डिवाइड भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड करने से भी कोई इशू नहीं, डिवाइड करके कर लो, आंसर आना चाहिए। चलिए बर्नौली इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू at all points in which of the following type of flow, very good very good, स्टडी इरोटेशनल फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूड, एनी रोटेशनल, रोटेशनल तो होगा ही नहीं, एनी इरोटेशनल भी नहीं होगा, स्टडी रोटेशनल भी नहीं होगा, तो स्टडी इरोटेशनल मतलब नॉन विस्कस फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूड, तो ऑप्शन हो जाएगा 74 का ए, मतलब बर्नौली की इक्वेशन की आपकी एजम्पशन ही पूछ ली।
सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या करने के लिए यूज में लिए जाते हैं, किसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, पंप किसको ट्रांसपोर्ट करेगा, ये तो सिंपल सा है। अलोंग द स्ट्रीम लाइन, अलोंग द स्ट्रीम लाइन होता है वो। चलिए, ये फ्लूइड को ट्रांसफर करने के लिए यूज में लिया जाता है। 79, अगर स्पेसिफिक स्पीड मोर देन 300 है, पेल्टन व्हील की स्पेसिफिक स्पीड सिंगल जेट की होती है 0 से 30, मल्टी जेट की होती है 30 से 60, फ्रांसिस की होती है 60 से आपकी 300, और कापलान और प्रोपेलर दो आते हैं, प्रोपेलर और कापलान। वैसे आंसर तो इसका हो जाएगा कापलान, प्रोपेलर की होती है 300 से 600 और कापलान की होती है 600 से 1000। तो इसमें पूछा है अगर 300 से ज्यादा होगी तो डेफिनेटली कापलान कैन बी यूज्ड। 75, मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइपलाइन इज इक्वल टू, कितना होगा मैक्सिमम एफिशिएंसी बताओ। When your head loss is equal to 1/3 of total head, तो efficiency हो जाएगा 66%, क्या 66%, 80 का बताओ। Centrifugal pump की specific speed, HM is the manometric head, N is the speed, Q is the discharge, सेंट्रीफ्यूगल पंप की स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है बताओ। यस, एन अनरूट क्यू एच के पावर 3/4 मैनोमेट्रिक हेड। ठीक है, अगर टर्बाइन की पूछे तो एन अनरूट ऑफ पी डिवाइड बाय नेट हेड की पावर 5/4। चलो क्वेश्चन नंबर 76, इसमें आपका हाइड्रोलिक पैराडॉक्स यूज में लिया जाएगा। बी और सी पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो भैया बी का प्रेशर और सी का प्रेशर होगा सेम, तो बी का प्रेशर और सी का प्रेशर होगा सेम। ए ऊपर है तो ऊपर जाने पे प्रेशर घटता है, तो ए का प्रेशर कम होगा एज कंपेयर टू बी एंड सी। वेरी गुड, वेरी गुड गौरव। ए का प्रेशर कम होगा एज कंपेयर टू द बी एंड सी, तो प्रेशर ए इज लेस देन बी एंड सी, बी और सी आपस में इक्वल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 बताओ। विच पार्ट इज इन फिटेड इन रेसिप्रोकेटिंग पंप टू ऑब्टेन कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ फ्लूइड एट यूनिफॉर्म रेट, ऑल्सो रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लो सेपरेशन। Also reduce the possibility of flow separation, बताइए। तो यहां पर हम यूज में लेते हैं एयर वेसल। एयर वेसल में कंप्रेस्ड एयर यूज में ली जाती है, जो कि सक्शन साइड और डिलीवरी साइड दोनों जगह फिट कर दी जाती है, जो कि आपको कंटिन्यूस फ्लो प्रोवाइड करती है। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 81, नेगेटिव स्लिप क्या होता है। देखिए स्लिप क्या होता है, स्लिप होता है आपका थ्योरिटिकल डिस्चार्ज माइनस एक्चुअल डिस्चार्ज। तो नेगेटिव कब होगा, जब एक्चुअल ज्यादा हो थ्योरेटिकल कम हो। एक्चुअल डिस्चार्ज इज मोर देन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 81 का, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, चलिए आधे क्वेश्चन हो गए, आधे और बाकी है बस। अब एक मिनट को, 81 इसी पेज पर होगा इधर, क्योंकि वहां तो अपने डायरेक्टली 90 पर पहुंच गए। अरे वहां डीजल साइकिल के एफिशिएंसी पूछी है।
और ये भी पूछ लिया जो आज सुबह पढ़ा था, अवेलेबिलिटी फंक्शन, क्या बात है। जो आज पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स में सुबह प्लस की क्लास में, 120 क्वेश्चन है, 40 कर लिए, 40 और बाकी है, 41 कर लिए। वैसे वो 80 क्वेश्चन किया था, 81 था, 81 ही था। अवेलेबिलिटी फंक्शन यू प्लस पी नोट वी माइनस टी नोट एस डी एस, डी एस नहीं आएगा, सभी प्लस है, ये नहीं आएगा। तो लीजिए मशीन ड्राइंग का क्वेश्चन है, मशीन ड्राइंग का क्वेश्चन है कि मार्जिन कितना होगा, डी इज द डायमीटर ऑफ द रिवेट, रिवेट का डायमीटर है डी, मार्जिन आपको बताना कितना होगा। अभी बात की थी ना अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी गिव यू द मैक्सिमम यूजफुल वर्क। तो अवेलेबिलिटी फंक्शन क्या होता है, अवेलेबिलिटी फंक्शन का डिफरेंस अगर आप कैलकुलेट करेंगे किसी दो स्टेट्स के बीच में, किसी प्रोसेस के दो स्टेट्स के बीच में, वन और टू के बीच में, तो आपको मैक्सिमम यूजफुल वर्क मिलेगा। अभी देखो क्या होता है, ये देखो ये अवेलेबिलिटी फंक्शन होता है फाई, इसको तो अल्फा से रिप्रेजेंट कर रखा है, वैसे इसको अपने फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से। तो अगर आपको चाहिए मैक्सिमम यूजफुल वर्क, आपको क्या करना पड़ेगा, फाई वन माइनस फाई टू करना पड़ेगा, फाई वन माइनस फाई टू करना पड़ेगा, इसका तो 1.5 हो जाएगा। तो फाई वन क्या होगा, देखिए फाई वन होगा यू वन प्लस पी नोट बी वन माइनस पी नोट वन, फाई टू क्या होगा यू टू प्लस पी नोट बी टू माइनस टी नोट एस टू। जिनकी थर्मोडाइनमिक्स वीक है, इस यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके थर्मोडाइनमिक्स की क्लास देख लेना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस लिख रखा होगा, उसमें आप नीचे जाओगे तो आपको थर्मोडाइनमिक्स की क्लास मिल जाएगी, 68 सेशन है उसके अंदर, ठीक है। उसमें आपका पावर प्लांट इंजीनियरिंग का क्वेश्चन भी है, इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ पावर प्लांट इंजीनियरिंग, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो इस YouTube चैनल पर आपको बहुत कुछ मिलेगा, बस आपको थोड़ा सा प्लेलिस्ट में जाके सर्च करने की रिक्वायरमेंट। 83 डीजल साइकिल की एफिशिएंसी क्या होती है, देखो आर के है कंप्रेशन रेशियो, देखो डीजल साइकिल सीधा 1/, इसमें कोई फॉर्मूला करेक्ट ही नहीं है भाई। देखिए डीजल साइकिल की एफिशिएंसी क्या होती है, देखिए 1 - 1/ में कंप्रेशन रेशियो रेस टू द पावर गामा माइनस वन, कट ऑफ रेशियो रेस टू द पावर गामा माइनस वन, गामा कट ऑफ रेशियो माइनस वन, गामा कट ऑफ रेशियो माइनस वन, ठीक है। तो 85 में आपका कोई भी आंसर सही नहीं है, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन ऊपर वाला रह गया, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जो प्रोजेक्टर्स होते हैं वो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के कहाँ पर रखे जाते हैं, ये 86 नंबर क्वेश्चन है, 83 के बाद 86, 83 को डिलीट कर दिया क्योंकि कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक कहां पे सही है, माइनस कहां नजर आ रहा है, तो जो प्रोजेक्टर्स होते हैं वो कहाँ पे रखे जाते हैं, 86 का आंसर बताइए। जो प्रोजेक्टर्स होते हैं ऑर्थोग्राफिक मतलब 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर में रखे जाते हैं, फिगर शोज द टाइप ऑफ द सेक्शन, यहाँ पे जो सेक्शन आपको दे रखा है वो कौन सा सेक्शन है। आपके ऊपर ये जो रिम लगी हुई है इस रिम में भी आई सेक्शन है, ये जो फ्लैंज है इसमें भी आपका ये इलिप्टिकल सेक्शन शो कर रखा है, ये रिमूव्ड किया हुआ सेक्शन है, रिवॉल्व घुमाया हुआ सेक्शन है, अलाइंड सेक्शन है, या फिर इसी में ही इसका पार्शियल सेक्शन करके दिखाया हुआ है आप। बताओ रिवॉल्व करके दिखाया मतलब वो सेक्शन आपका फ्रंट व्यू में नहीं है, वो साइड व्यू में है, तो उसको रिवॉल्व करके दिखाया है, या फिर साइड व्यू का सेक्शन रिमूव करके दिखाया है, या फिर उसी के फ्रंट में से सेक्शन करके पार्शियल सेक्शन दिखाया है। तो
फ्रंट में तो हमने सेक्शन किया ही नहीं, फ्रंट में अगर हम सेक्शन करते तो वो पार्शियल सेक्शन होता, फ्रंट का आधा काट के दिखा दिया। ये तो आपका साइड व्यू में नजर आता है सेक्शन, ये अगर सेक्शन साइड व्यू में नजर आता है ना तो इसको हमने रिवॉल्व करके दिखाया है। क्या करके दिखाया? रिवॉल्व करके दिखाया है। देखिए 88 M 16 1.58 G, G किसके लिए है ये आपको बताना है। एट जी, जी किसके लिए है? लिमिट और फिट अपनों ने पढ़ा होगा ना, 7G 8G 9G 10G, H में भी आता है लिमिट और फिट। तो वो टॉलरेंस है आपका, और अगर 1.5 पिच लिख रखा है ना तो ये आपकी कैसी पिच है? ये फाइन पिच है, कोर्स पिच कभी भी लिखी नहीं जाती है। कैसी पिच है? फाइन पिच है, कोर्स पिच कभी नहीं लिखी जाएगी। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के लिए क्या चीज ट्रू है? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के लिए ऑब्जेक्ट आपका यहाँ होगा और ऑब्जर्वर भी यहाँ होगा, तो ऑब्जर्वर इज इन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। देखो ऑब्जेक्ट, दिस इज द ऑब्जेक्ट, इट इज इन बिटवीन प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन एंड ऑब्जर्वर, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन एंड ऑब्जर्वर। तो 84 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 84 का हो जाएगा डी। ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। इग्निशन कोयल का क्या फंक्शन होता है ये आपको बताना है। व्हाट इज द रोल ऑफ इग्निशन कॉइल? हेलो अर्पित, कैसे हो? गुड आफ्टरनून। जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज क्लिक ऑन द लाइक बटन टू मार्क योर अटेंडेंस फर्स्ट बिफोर जॉइनिंग द सेशन, है ना। 5 बजे भी आपकी क्लास होगी जिसमें हम डिप्लोमा होल्डर का ये जो पेपर है, उसके बाद हम डिग्री होल्डर का जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन करेंगे। 5 बजे इसी अनअकैडमी एसएससी जेई यूट्यूब चैनल पर, होम पर जाके आप देखेंगे तो आपको नीचे सेशन मिल जाएगा 5 बजे। चलिए, इग्निशन कॉइल क्या करती है? इट एक्ट लाइक एज ए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ये क्या करता है? वोल्टेज को इंक्रीज करता है। वोल्टेज इंक्रीज कैसे होता है? जब करंट की डायरेक्शन अचानक से रिवर्स होती है, कुछ भी चीज अचानक से रिवर्स होती है, तो बहुत ही ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होता है आपके इग्निशन कॉइल में, है ना। इग्निशन कॉइल में जब बहुत ही ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा ड्यू टू सडन कोलैप्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जो आपका इग्निशन कॉइल होता है उसके अंदर प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल के अंदर हाई वोल्टेज ट्रांसफर होती है, और उसी टाइम वो हाई वोल्टेज क्या करती है, आपके स्पार्क प्लग के इलेक्ट्रोड्स के बीच में ट्रांसफर हो जाती है और वहां पर स्पार्किंग हो जाती है। अंडर प्रेशर, मत आइए प्रेशर में आने से 10 क्वेश्चन सही की जगह 10 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो इसलिए प्रेशर में कभी नहीं रहना चाहिए, है ना। ये खुद आप सोचिए कि अगर मैं अंडर प्रेशर रहूंगा तो 10 क्वेश्चन सही होने की जगह 10 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, है कि नहीं। चलो, तो 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में कौन सा लुब्रिकेशन सिस्टम यूज में लिया जाता है? आपने देखा होगा जब आप स्कूटी वगैरह मोपेड वगैरह में पेट्रोल भराने जाते हैं तो वो क्या करता है, पेट्रोल पंप वाला आदमी उस पेट्रोल के साथ कुछ ऑयल मिक्स करके अंदर डाल देता है ना। क्योंकि आपके 2 स्ट्रोक में क्रैंक केस में आपके ऑयल तो भरा होता नहीं है, क्योंकि उसमें क्रैंक केस में आपका फ्यूल ही होता है, एयर फ्यूल मिक्सचर होता है ना। तो एयर फ्यूल मिक्सचर होता है, उसके अंदर हम अलग से सेपरेट इंजन ऑयल नहीं डाल सकते, इंजन ऑयल डलता है आपका 4 स्ट्रोक इंजन में। तो कुछ लुब्रिकेटिंग ऑयल हम पेट्रोल के साथ मिक्स करके अंदर भेज देते हैं, जो अंदर जाके जलता भी है, है ना, अंदर जाके जलता भी है। तो मिक्सिंग अबाउट 3 to 4, 6% ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल विद पेट्रोल। बीम में मैक्सिमम बेंडिंग कहाँ पर होती है, जहाँ पे शेयर फोर्स का हो? देखो मैक्सिमम बेंडिंग, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कब होगा, जब डीएम बाई डी एक्स किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो। और डीएम बाई डी एक्स क्या होता है, डीएम बाई डी एक्स होता है शेयर फोर्स, स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में शेयर फोर्स, जहाँ पे शेयर फोर्स 0 होगा वहां पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। जहां पे शेयर फोर्स 0 होगा वहां पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा,
हाँ साइलेंसर में भी आता है, तो जहाँ पे शियर फोर्स जीरो होगा वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम कहाँ पर यूज में नहीं लिया जाता है? तो देखो मोटरसाइकिल और स्कूटर इनमें तो यूज में ले सकते हैं, क्योंकि जब बैटरी खराब हो जाएगी तो मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम काम में आ जाएगा। रेसिंग कार में भी यूज में ले सकते हैं, क्योंकि जब रेसिंग कार की स्पीड इंक्रीज होती है मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम की एक्यूरेसी भी इंक्रीज होती है, पावर भी वो ज्यादा प्रोड्यूस करता है। ट्रक में मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम यूज में ले नहीं सकते, वैसे ट्रक में इग्निशन सिस्टम ही यूज में नहीं लेते, क्योंकि ट्रक में डीजल इंजन होता है और डीजल इंजन में इग्निशन सिस्टम नहीं होता है, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम होता है। इग्निशन सिस्टम नहीं होता, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम होता है, फ्यूल इंजेक्टर होता है, स्पार्क प्लग नहीं होता। चलिए 95 का बताओ। सेक्शन मॉडुलस ऑफ ए सर्कुलर सेक्शन, पहले पोलर सेक्शन मॉडुलस पूछा, अब सेक्शन मॉडुलस पूछ रहा है। व्हाट इज सेक्शन मॉडुलस? सेक्शन मॉडुलस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाय वाई, तो पाई बाय 64 डी की पावर 4 डिवाइड बाय डी बाय 2, तो पाई बाय 32 डी का क्यूब, पाई बाय 32 डी का क्यूब। चलिए पेट्रोल इंजन में नॉकिंग टेंडेंसी को किस तरीके से रिड्यूस किया जा सकता है? बाय इंक्रीजिंग, क्या इंक्रीज करेंगे कि पेट्रोल इंजन में नॉकिंग टेंडेंसी डिक्रीज हो जाए? क्या चीज इंक्रीज करें कि नॉकिंग टेंडेंसी डिक्रीज हो जाए? वॉल टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे सो देर विल बी चांसेस ऑफ कंबशन ऑफ द एंड चार्ज कंबशन हो सकता है जिससे नॉकिंग टेंडेंसी इंक्रीज होगी। सुपर चार्जिंग करेंगे तो भी टेम्परेचर आफ्टर कंप्रेशन विल बी इंक्रीज, जो कि एंड चार्ज के टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा, इससे भी नॉकिंग टेंडेंसी इंक्रीज होगी। इंजन की स्पीड इंक्रीज करने से टर्बुलेंस इंक्रीज होगी, ड्यू टू इंक्रीज इन टर्बुलेंस हीट ट्रांसफर इंक्रीज होगा, हीट ट्रांसफर इंक्रीज होने से एंड चार्ज का टेम्परेचर डिक्रीज होगा और एंड चार्ज का टेम्परेचर डिक्रीज होने से नॉकिंग टेंडेंसी भी डिक्रीज होती है। कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज करने से भी नॉकिंग टेंडेंसी इंक्रीज होती है, इसीलिए पेट्रोल इंजन में कंप्रेशन रेशियो कम से कम रखा जाता है, इसलिए पेट्रोल इंजन छोटे छोटे होते हैं। पेट्रोल इंजन का साइज लिमिटेड होता है, उससे को हम बड़ा साइज का नहीं बना सकते, नॉकिंग टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी। अगर पेट्रोल इंजन छोटे छोटे होते हैं तो पेट्रोल इंजन में ही मल्टी सिलेंडर इंजन का कंसेप्ट यूज में लिया जाता है। 96, रेशियो ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस टू द डिस्टेंस ऑफ द मोस्ट डिस्टेंट पॉइंट, तो ये आई अपॉन वाई क्या होता है, अभी तो लिखा था। तीन क्वेश्चन आगे, पोलर मॉडुलस, सेक्शन मॉडुलस और इस बार सेक्शन मॉडुलस की डेफिनेशन, तो आंसर क्या हो जाएगा 96 का ए ऑप्शन, 96 का ऑप्शन ए, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 93, स्ट्रोक लेंथ क्या होती है? आपका जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है उसमें जो पिस्टन होता है सिलेंडर के अंदर दो एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच में ऊपर नीचे होता है और उन एक्सट्रीम पॉइंट्स को हम कहते हैं टीडीसी और बीडीसी। तो सबसे ऊपर वाला एक्सट्रीम पॉइंट होता है टॉप डेड सेंटर, नीचे वाला होता है बॉटम डेड सेंटर, और ये होती है आपकी कनेक्टिंग रोड और ये होती है आपकी क्रैंक, और ये क्रैंक कैसे घूमती है। तो ये जो टीडीसी से बीडीसी के बीच की डिस्टेंस होती है इसे हम बोलते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रोक। तो जब पिस्टन टॉप पोजिशन पे होता है आपकी क्रैंक यहाँ होती है, पिस्टन जब बॉटम पोजीशन पे होता है आपकी क्रैंक यहाँ पर होती है। तो ये जो डिस्टेंस होती है इट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रोक, और ये लेंथ ऑफ स्ट्रोक इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ द रेडियस, टू टाइम्स ऑफ द रेडियस, ऑप्शन सी। और टीडीसी से बीडीसी के बीच के वॉल्यूम को कहा जाता है स्वेप्ट वॉल्यूम, और स्वेप्ट वॉल्यूम की यूनिट होती है सीसी, गाड़ियों में लिखा होता है ना सीसी, इतने सीसी का इंजन है तो वो स्वेप्ट वॉल्यूम ही होता है। 97 देखो क्या होगा, ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन लेंथ एल कैरीज ए पॉइंट लोड डब्ल्यू, सिंपली सपोर्टेड बीम है मिड में, रिफ्लेक्शन कितना होगा? इजी सा क्वेश्चन है, सिंपली सपोर्टेड बीम बीच में लोड लग रहा है तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होगा, 16 और 48 याद रखते हो इसमें। अगर आपसे पूछा जाता मैक्सिमम स्लोप क्या होगा तो
आपका 16 EI और डिफ्लेक्शन आपसे पूछ रहा है तो 48 EI, तो WL का क्यूब डिवाइड बाय 48 EI, तो 97 का क्या हो जाएगा, 97 का हो जाएगा आपका बी। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, बहुत बढ़िया। और थोड़े सेल्फिश कम बनो, अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी शेयर किया करो सेशन, आपसे जो फ्रेंड लोग भी प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी लग जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता। चलो, क्वेश्चन नंबर 98 और 103, 99 सारे नजर आ रहे हैं। 98, शाफ्ट का डायमीटर अगर आधा कर दिया जाता है तो शियर स्ट्रेस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा फॉर द सेम टॉर्क ट्रांसमिशन। शियर स्ट्रेस क्या होता है, 16 T डिवाइड बाय पाई डी का क्यूब। तो शियर स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/D का क्यूब, क्योंकि टॉर्क तो सेम है, टॉर्क तो सेम है, तो अगर टॉर्क सेम है तो शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू 1/D का क्यूब। तो अगर डायमीटर को कम करोगे तो शियर स्ट्रेस इंक्रीज होगा, तो 8 गुना हो जाएगा, क्यूब है ना, तो 8 गुना हो जाएगा। डायमीटर को हाफ किया तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, ऑप्शन सी। हाइट ऑफ द वाटर गवर्नर इज इक्वल टू, जी इंटू डब्ल्यू स्क्वायर तो होगा नहीं, क्यूब भी नहीं होगा, तो 99 का बताओ, 895/h, वो वाला फॉर्मूला ही तो क्या हो जाएगा, जी अपॉन में डब्ल्यू का स्क्वायर। चलिए, कोफिशियंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी आएगा, देखो ये मिनिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, मिनिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, ये तो दोनों कट गए, और ऊपर आता है मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, तो ऑप्शन सी। एलिमिनेट करके देखो ना, ऑप्शंस को अगर आप एलिमिनेट करना सीख जाओगे तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाएगा, है कि नहीं। तो 103 का हो जाएगा सी, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी डिवाइड बाय वर्क डन पर साइकिल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो और 101, द कंडीशन फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ मैक्सिमम पावर इज व्हेन द मैक्सिमम टेंशन इज इक्वल टू, बताओ। सत्ताईस को कौन सा पेपर है, ये होता है 3 times of TC, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का 3 गुना। व्हाट हैपेंस व्हेन द स्लीव ऑफ वाटर गवर्नर मूव अपवर्ड, स्लीव ऊपर जाता है, कब जाता है, जब रेडियस इंक्रीज होती है, रेडियस कब इंक्रीज होती है, जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज होता है कब होता है, जब स्पीड इंक्रीज होती है। तो गवर्नर का स्पीड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, गवर्नर का स्पीड इंक्रीज हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अच्छा, IOCL वाला बहुत बढ़िया है, ऑल द बेस्ट। अगेन सेम क्वेश्चन, देखो ये 100 क्वेश्चन और 104, ये देख लो। फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन बाय द बेल्ट ड्राइव सेंट्रीफ्यूगल टेंशन विल बी 1/3 ऑफ द मैक्सिमम परमिसिबल टेंशन। क्वेश्चन नंबर 100 और 104 सेम ही है, किसी भी बेल्ट ड्राइव के द्वारा मैक्सिमम पावर कब ट्रांसमिट हो सकती है, जब बेल्ट में उत्पन्न होने वाला मैक्सिमम टेंशन सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का 3 गुना हो, या फिर सेंट्रीफ्यूगल टेंशन मैक्सिमम टेंशन का 1/3 हो। तो 100 नंबर क्वेश्चन, 104 नंबर क्वेश्चन सेम है,
चलिए 102 और 105। नॉट एन इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन। सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन का इन्वर्जन कौन सा नहीं है? ऑसिलेटिंग सिलेंडर, इलिप्टिकल ट्रेमल, ये आपका डबल स्लाइडर का है। ये आपका डबल स्लाइडर का है। ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन में कनेक्टिंग रोड फिक्स की जाती है। रोटरी आईसी इंजन में क्रैंक फिक्स किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? चलो 105। सेकेंडरी अनबैलेंस्ड फोर्स ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स इन द आईसी इंजन इज इक्वल टू। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़ा ध्यान से आंसर देना पड़ेगा। आंसर तो 2 थीटा वाला होगा। अब साइन थीटा आएगा, कोस थीटा आएगा, ये आपको बताना है। इतना हिंट तो मैंने दे दिया है ना, लेकिन यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आपको नजर आ रहा है ना, वो एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन सही नहीं है। 2 थीटा तो आएगा, लेकिन यहाँ कोई भी एक्सप्रेशन सही नहीं है। द सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स इन द इंजन इज इक्वल टू। एम ओमेगा स्क्वायर आर कोस 2 थीटा बाय एन। एम ओमेगा स्क्वायर आर कोस 2 थीटा बाय एन। व्हाट इज 2 थीटा बाय एन? कोस 2 थीटा, 2 थीटा, एन क्या होगा? एल डिवाइड बाय आर। एल वगैरह यहाँ पे नजर आ ही नहीं रहा है ना। तो भैया ये क्वेश्चन हो गया डिलीट। एम ओमेगा स्क्वायर आर कोस 2 थीटा बाय, चलिए 106। सेंसिटिविटी ऑफ गवर्नर इज डिफाइंड एज। एफर्ट तो होगा नहीं, ना ही मैक्सिमम टू मिनिमम स्पीड। मैक्सिमम टू मिनिमम स्पीड का जो डिफरेंस होता है, ये होता है आपका फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। ये रेशियो पूछा है, तो मैक्सिमम टू मिनिमम स्पीड का रेशियो नहीं होगा। 106 का बताइए क्या होगा? जो आपकी सेंसिटिविटी होती है, इट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड रेंज टू द मीन स्पीड। मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड डिवाइड बाय एवरेज स्पीड। बेसिक शाफ्ट कौन सी होती है? ये शाफ्ट आपकी बेसिक शाफ्ट है। ठीक है, और ये वाला डेविएशन, लोअर डेविएशन, ये वाला डेविएशन, अपर डेविएशन, जिसका कौन सा डेविएशन जीरो हो, ये आपसे पूछा गया है। उल्टा हो गया, शाफ्ट ऐसे होती है। बेसिक शाफ्ट, बेसिक शाफ्ट इज शाफ्ट हुज? अपर डेविएशन इज जीरो, लोअर डेविएशन इज जीरो, फंडामेंटल डेविएशन इज जीरो, कौन सा डेविएशन जीरो? तो बेसिक शाफ्ट इज अ शाफ्ट हुज अपर डेविएशन इज जीरो। चल नहीं रहा, एक मिनट रुको, मैं वीडियो देख रहा हूँ।
कोई ऐसा कौन सा डायनेमोमीटर है विच इज यूज टू मेजर द ब्रेक पावर, जो कि आपका एब्जॉर्प्शन टाइप का डायनेमोमीटर है, पावर को एब्जॉर्ब कर लेगा, बताइए। पावर को एब्जॉर्ब करके फिर आपको ब्रेक पावर देगा, यस इसका हो जाएगा डी, प्रोनी ब्रेक डायनेमोमीटर ब्रेक पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड शेपर टूल हेड असेंबली, टेपर का जो टूल असेंबली होता है उसके अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं इनमें से कौन सा पार्ट उसका पार्ट नहीं है, ये आपको बताना है। क्लैंपिंग स्क्रू होगा ही होगा, स्वाइवल प्लेट भी होगी होगी, ड्रेग रिलीज प्लेट भी होती है, बैरल नहीं होता है, बैरल आपका उस पर होता है स्क्रू गेज पे। चलो बस 120 पर आने ही वाले हैं। चलिए 108, डिटेल्ड वर्क ड्राइंग जनरली डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन, किसका इंफॉर्मेशन नहीं देती है, ये तो बहुत ही अथाह सिंपल है, ये तो सबसे ज्यादा सिंपल हो गया। तो साइज रहता है पार्ट्स का, टॉलरेंस भी रहता है सबका, और डी भी रहता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कॉस्ट नहीं रहती। कौन सा फॉलोवर नहीं होता, कैम और फॉलोवर कौन सा नहीं होता, हाँ कैट कैम इंजिंग ड्रॉइंग सब रहता है इसमें, तो इन्वोल्यूट फॉलोवर नाम का कोई फॉलोवर नहीं होता है। चलिए पर गियर के लिए सर्कुलर पिच और डायमेट्रल पिच, सर्कुलर पिच पाई डी बाई टी, डायमेट्रल पिच टी बाई डी, इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है। बिल्कुल हाँ जी, तो इनका प्रोडक्ट होता है पाई। चलिए विच कर्व शोज द डिस्प्लेसमेंट एंड रेवोल्यूशन ऑफ द कैम, कैम विच कर्व शोज द डिस्प्लेसमेंट एंड रेवोल्यूशन ऑफ द कैम, कौन सा डायग्राम होता है वो, फॉलोवर साइकिल नहीं होती, कैम साइकिल नहीं होती, वो होता है डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, ऊपर ही दे रखा है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ही होता। चलो 120 होने वाले हैं और 5 बजे वापस मिलने वाले हैं, 3 घंटे। नजर आ रहा है, चलो इन ऑटोकैड स्प्लाइन कमांड किस लिए यूज में ली जाती है, कौन सा एक्सप्लेन 113। अरे डिस्प्लेसमेंट कैम प्रोफाइल नहीं बनाई क्या ड्राइंग पे, अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग किसी ने बनाई है बिल्कुल, यूपीपीएससी ए के भी क्वेश्चन आंसर आपके कल करवा दिए जाएंगे, ठीक है कल से कर देंगे यूपीपीएससी ए के भी, देखते हैं।
तो इट इज़ यूज टू क्रिएट ए स्मूथ कर्व, स्प्लाइन कर्व, बेजियर कर्व, ये कर्व होते हैं आपके। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपके रिगार्डिंग द फ्लूइड प्रेशर अबव एटमोस्फेरिक प्रेशर? फ्लूइड का प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है। फ्लूइड का प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है तो एब्सोल्यूट प्रेशर विल बी एटमोस्फेरिक माइनस गेज, एब्सोल्यूट विल बी एटमोस्फेरिक प्लस गेज प्रेशर। ओके क्या हो जाएगा इसका सी? चलिए 115 फिर 118, ये तो हो गया भैया, मेरे को लगता है एक में ही आ जाएगा ये। नहीं, 120 के लिए नीचे जाना पड़ेगा। 115, स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन, आइडियल गैस की स्पेसिफिक हीट किस पे डिपेंड करती है? यस इट इज हेल्पफुल फॉर एवरी एग्जामिनेशन, आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए, ये सभी एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल है। कोई ऐसा थोड़ी होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने यहाँ पे, ये तो सभी एग्जाम के लिए, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, मॉलिक्यूलर वेट और स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है, डाई एटोमिक गैस, ट्राई एटोमिक गैस, ये स्पेसिफिक हीट है, एंथैल्पी नहीं है, एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी नहीं है। फ्रिक्शन फैक्टर, फैक्टर बड़ा होता है, कोफिशियंट छोटा होता है, फैक्टर बड़ा होता है और कोफिशियंट छोटा होता है, बताओ। तो 64 डिवाइड बाय रेनॉल्ड्स नंबर, कंटिन्यूटी इक्वेशन रो वन ए वन वी वन इक्वल टू रो टू ए टू वी टू, रो वन ए वन वी वन इक्वल टू रो टू ए टू वी टू, ये किसका कंजर्वेशन है? एनर्जी का, एनर्जी तो नजर नहीं आ रहा, मास गोइंग इनटू द सिस्टम इक्वल टू मास कमिंग आउट फ्रॉम द सिस्टम, इट इज अ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान के संरक्षण पर आधारित है। चलिए लास्ट दो क्वेश्चन, 116 और 120। अगर पाइप्स को हम पैरेलल में कनेक्ट करें तो क्या इंक्रीज होगा? सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हेड इंक्रीज होता है, डिस्चार्ज सेम होता है। सीरीज में करें तो डिस्चार्ज कांस्टेंट होता है और हेड विल बी इंक्रीजेड। पैरेलल में करें तो पैरेलल में करेंगे तो क्या होगा? पैरेलल में डिस्चार्ज इंक्रीज होगा, हेड कांस्टेंट होगा, तो हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन द इज सेम इन थ्रू ऑल पाइप्स, डिस्चार्ज डिवाइड्स इन द रेशियोज ऑफ द पाइप्स, ट्रायल सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द डिस्चार्ज थ्रू ईच पाइप, डिस्चार्ज इज सेम थ्रू आउट द ऑल पाइप्स। तो आपका 116 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ए, द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इज सेम इन ऑल द पाइप। नाउ क्वेश्चन नंबर 120, लेमिनार फ्लो के लिए रेनॉल्ड्स नंबर कितना होना चाहिए? वेरी गुड वेरी गुड, लेमिनार फ्लो के लिए रेनॉल्ड्स नंबर होना चाहिए बी, क्या बात है, सबने आंसर दे ही दिया, मेरे से पहले दे दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गौरव राज, गंगानगर, शुभम और कौन कौन है भैया, अर्पित, किरण, चलिए बहुत बढ़िया, सबने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया, सबने 120 क्वेश्चन सॉल्व किए, ये ही बहुत बड़ी बात होती है, एक जगह बैठ के 120 क्वेश्चन सॉल्व करना सबसे बड़ी बात होती है। ओके चलिए एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ कि जो आपका एसएससी जेई और स्टेट आई कैटेगरी है इसका अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अभी अनअकैडमी का ऑफर चल रहा है, तो उस ऑफर का लास्ट डे है और बहुत ही जल्द आपके इस अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन की जो प्राइस है वो हाइक हो जाएगी, क्योंकि एक साल डेढ़ साल होने के बाद जो सब्सक्रिप्शन फीस होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो सब्सक्रिप्शन फीस इंक्रीज़ होने से पहले आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं बाय यूजिंग द कोड विशाल 11। जैसे आप ये कोड यूज़ में लेंगे आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर 10% डिस्काउंट मिलेगा, और साथ ही साथ में ये अनअकैडमी पर ऑफर भी चल रहा है 24 मार्च 2022 तक, 24 महीने के सब्सक्रिप्शन पर 4 महीने, 12 महीने के सब्सक्रिप्शन पर 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया जा रहा है, एडिशनल सब्सक्रिप्शन। दिस इज एन ऑफर जिसकी वैलिडिटी आज है,
है ना? बिल्कुल। और यूपीपीएससी एई स्कॉलरशिप टेस्ट है आपका 27 मार्च को संडे 11 बजे। ध्यान रखिए मेरी बात, अब ध्यान से सुना, कान खोल लो सभी। जो भी स्टूडेंट चाहे ए एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे जे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, सारे क्वेश्चन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में रोटेट होते रहते हैं। एक का इधर आ जाएगा, इधर का उधर, राजस्थान का यूपी, यूपी का राजस्थान में, एमपी में, बिहार में, उत्तराखंड में। तो आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये स्कॉलरशिप टेस्ट जरूर दीजिएगा। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिफरेंट स्कॉलरशिप टेस्ट के लिंक मिल जाएंगे, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जीए एंड जीएस। उस पर क्लिक करके अपने आप को एनरोल कर देना। और ये 27 तारीख को होने वाला है, 100 क्वेश्चन होंगे 100 मिनट में। स्कॉलरशिप टेस्ट में आपको अपना प्रिपरेशन का एनालिसिस करने का भी मौका मिलेगा, साथ ही साथ में आपको गिफ्ट हैम्पर भी मिलेंगे, ठीक है? अमेजन की तरफ से अमेजन वाउचर्स मिलेगा। सब्सक्रिप्शन लेने में कोई दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पर कॉल करके काउंसलर से बात कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है रिगार्डिंग अन अकेडमी, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि सर मुझे विशाल 11 कोर्स ने रेफर किया है, ओके? और अगर आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं तो अनअकैडमी से जुड़ने पर आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर मैनर में कोर्सेज, पूरा सिलेबस होता है, बेस्ट कोर्सेज, रैंक कंप्यूटर बैच, अनलिमिटेड सेस इन अ सिंगल सब्सक्रिप्शन। तो ये आपके प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स हैं। आपको सब्सक्रिप्शन लेने के लिए कैटेगरी चूज करनी पड़ती है। आपको जाना है कम्पिटिटिव एग्जाम में जाने के बाद एसएससी जेईई स्टेट एग्जाम, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको विशाल 11 कोड यूज में लेना है। ऑफर आप अवाइल कर सकते हैं टिल 24th ऑफ द मार्च, 24 महीने पे 4 महीने, 12 महीने पे 3 महीने। फीस को आप ईएमआई के थ्रू भी पे कर सकते हैं। दिस इज द इनिशिएटिव बाय द अनअकैडमी जिसका नाम है रिपोर्ट एंड विन। अनअकैडमी के जितने भी लर्नर्स हैं वो अगर यूट्यूब की क्लासेस देखते हैं तो अगर आपको यूट्यूब पर कोई इनअप्रोप्रिएट कंटेंट मिलता है विच इज नॉट रिलेवेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप इसकी इन्फॉर्मेशन अनअकैडमी को देख सकते हैं, ठीक है? तो जैसे आप इसकी इन्फॉर्मेशन अनअकैडमी को देंगे और आप पहले लर्नर होंगे तो उसकी उसके लिए आपको अनअकैडमी की तरफ से प्राइज मिलेगा, और इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ होगा, ठीक है? और ये कॉल वाला मैंने आपको बताई दिया, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। हाँ, उसमें 450 पर मंथ का मतलब है कि आपकी जो भी सब्सक्रिप्शन फीस होगी, मान लीजिए आपकी 9,8100 रुपये सब्सक्रिप्शन फीस है, तो आपकी इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। आपको महीने के 400, 450 रुपये कुछ देने पड़ेंगे, तो 8100 रुपये कितने देने पड़ेंगे, 675 रुपये, है ना? तो आप वहां जाके देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। 6 महीने का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 महीने के आपको कितने देने पड़ेंगे, तो मंथली आपका वहां पर उसको बता रखा है। प्लस पर अभी मैंने क्या क्या कवर कर रखा है, प्लस पर मैंने आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है, फ्लूइड मशीन्स, फ्लूइड मशीनरी हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, और आपका थर्मोडाइनमिक्स अभी चल रहा है, इस मंथ में कंप्लीट हो जाएगा, और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपका वहां पे चल रहा है, ये भी इस मंथ में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? ये प्लस पर आपके सिलेबस कवर हो चुके हैं। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, किंग्स वगैरह है, तो यूट्यूब चैनल पर भी आपको डिफरेंट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहां भी आपको रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएंगे, प्लस पर आपको लाइव सेशन मिल जाएंगे। चलिए, तो मैं आप सभी लोगों से अलविदा चाहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, गिविंग सो मच प्रेस टाइम, लव एंड सपोर्ट। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन एट द 5 PM ऑन दिस अनअकैडमी एसएससी जेई यूट्यूब चैनल, जिसमें हम RS MSSB के डिग्री होल्डर का 2020 का JEE का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि आपको सभी क्लासेस के रेगुलर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते हैं, ठीक है? तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।